हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन कर रहे थे वेरिएबल फोर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगर अपन को वेरिएबल फोर्स हो तो वहाँ पे अपन वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो अपन ने वर्क डन का फॉर्मूला देखा था वेरिएबल फोर्स में, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द एफ डॉट डेल आर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो डेल आर होता है, आर होता है, वो होता है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन उसको शो करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में। अगर पोजीशन वेक्टर का अपन अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो अपन को मिलेगा डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब देखते हैं जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को अपन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में शो करते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। वर्क का अपन ने फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन ऑफ द एफ वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर। अब अपने पास में एफ वेक्टर ये मिल रखा है और डेल आर वेक्टर ये मिल रखा है। अगर अपन इन दोनों का अगर इंटीग्रेशन करें तो डॉट प्रोडक्ट होगा आई आई से, जे जे से और के के से मल्टीप्लाई होगा। तो अपन को यहाँ पर मिलेगा एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ द एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डेल वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ द एफ जेड डेल जेड। अगर अपन को डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट की फॉर्म में गिवन हो तो यहाँ वहाँ पे अपन निकालते हैं वर्क डन ऐसे, जो फोर्स का जो एक्स साइड वाला कंपोनेंट है उसको अपन डेल एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका करते हैं फिर इंटीग्रेशन, वाई को वाई से और जेड को जेड से करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे समझते हैं। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप। तो एफ एक्स अपन का मिल गया यहाँ पे एक्स और एफ वाई अपन को मिला यहाँ पे टू वाई। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन गिवन है इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप एंड बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम 2.4 टू 4.6 फाइंड वर्क डन। यहाँ पे अपन को फोर्स की वैल्यू गिवन है एक्स और वाई, जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है वाई पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेस हो रहा है 2.4 से 4.6। तो अपन देखते हैं एक्स डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है 2 से 4 और वाई डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है 4 से 5। तो यहां पे अपन लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द एफ एक्स डेल एक्स प्लस एफ वाई डेल वाई। जब अपन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू लिखेंगे और डेल वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे वाई की वैल्यू लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू अपन को मिल गई ये एक्स डेल एक्स। अब एक्स डायरेक्शन में ये कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है 2 से 4 तक, तो लिमिट आएगी यहाँ पे 2 से 4 प्लस वाई डायरेक्शन में अपन को एफ वाई मिलता है अपन को 2y। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो रहा है 4 से 5 तक, तो यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे 4 से 5 तक। तो अपन ऐसे निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन के लिए अपन ने क्या किया, एफ एक्स डेल एक्स प्लस एफ वाई डेल वाई इनका किया अपन ने इंटीग्रेशन। एफ एक्स की वैल्यू अपन को गिवन है एक्स आई कैप में जो होता है वो होता है एफ एक्स, वाई कैप में जो होता है वो होता है एफ वाई। तो यहाँ से अपन को एफ एक्स मिला एक्स और एफ वाई अपन को मिला 2y। फिर अपन ने किया इसका इंटीग्रेशन और यहाँ पर लिमिट लगा दी, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है 2 से 4 तक और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है 4 से 5 तक। अब यहाँ पर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वर्क डन अपन को मिला 15 जूल। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अपन वर्क डन निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द एफ एक्स डेल एक्स, यहाँ पे लगाते हैं अपन एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसकी लिमिट, इंटीग्रेशन ऑफ द एफ वाई डेल वाई, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसकी लिमिट और इंटीग्रेशन ऑफ द एफ जेड डेल डेल जेड, जेड डायरेक्शन में कितना हो रहा है उसकी लिमिट। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप एंड बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम 1.0.2 टू 3.2.4 फाइंड वर्क डन। तो यहाँ पे अपन को फोर्स गिवन है वो वेरिएबल है और वो डिपेंड कर रहा है एक्स वाई और जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ हो रहा है 1.0.2 से 3.2.4। तो अपन देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है 1 से 3, वाई डायरेक्शन में 0 से 2 और जेड डायरेक्शन में 2 से 4। तो यहाँ पे अपन वर्क डन का फॉर्मूला निकालते हैं, लिखते हैं।
वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ द एफ एक्स डेल एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डेल वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डेल जेड। अब एफ एक्स अपन को मिलेगा यहाँ पे आई कंपोनेंट के साथ में जो है, तो यहाँ पे है एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू अपन को मिली एक्स, तो x डेल x। अब x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 1 से 3 तक, तो यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे 1 से 3 तक। fy अपन को मिलता है जो j कैप के साथ में है, तो j कैप के साथ में है यहाँ पे y, तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे y.dy, और y की लिमिट क्या है 0 से 2। fz अपन को मिलता है यहाँ पे z स्क्वायर जो k कैप के साथ में है, तो z स्क्वायर डॉट डेल z, और z की लिमिट कितनी है 2 से 4। अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को वर्क डन मिला 24.66 जूल। यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन को जो फोर्स गिवन था एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप की फॉर्म में गिवन है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ हो रहा है, 1 से 3 एक्स डायरेक्शन में, 0 से 2 वाई डायरेक्शन में, और 2 से 4 जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला लिखा और वहाँ पे अपन ने लिमिट लिखी और इसको सॉल्व कर दिया। तो इस प्रकार से अगर वेरिएबल फोर्स अपन को गिवन हो तो उसका अपन वर्क डन इस प्रकार से निकालता है। यहाँ पे कंप्लीट होता है वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन, बाकी का टॉपिक करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।